नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपना चैनल INT हिंदी टेक में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में इंस्टेंट में कैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्यारा सा लाइक अभी ही कर दीजिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो में आप शायद खुशी में भूल जाएंगे वीडियो को लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बात यहां पर यह है कि अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होता है तो मैं जानबूझकर लंबा नहीं करता, बल्कि एक एक बात क्लियर से समझाने की मैं कोशिश करता हूं हर एक वीडियो में। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वीडियो में जो बात हमने बता रखा है वो बात कमेंट बॉक्स में वो पूछते रहते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वीडियो को लंबा नहीं करता, बल्कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे IRCTC आई मुद्रा एप्लीकेशन के जरिए बिल्कुल फ्री में आप अपनी क्रेडिट कार्ड की बैलेंस को कैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आई मुद्रा एप्लीकेशन क्या है, मैं आपको बता दूं कि IRCTC द्वारा एक निकाला गया वॉलेट एप्लीकेशन है जो हाल फिलहाल में ही लॉन्च किए गए हैं। इस पर हमने ऑलरेडी पहले ही दो वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं आई मुद्रा क्या है, किस तरह से इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट किए जाते हैं, किस तरह के फिजिकल डेबिट कार्ड मिलते हैं जिससे हम ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में जो एक्सक्लूसिव लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई मुद्रा एप्लीकेशन के बिल्कुल होम पेज पर हम मौजूद है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप अप वाले ऑप्शन की, यानी कि लोड मनी की। दोस्तों यहां पर टॉप अप वाले ऑप्शन पे मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको एड मनी करने की चार्ज लगती है, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड से एड मनी करते हैं 2000 रुपए तक या फिर उससे नीचे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगती है। अब दोस्तों बात यहां पर यह था कि आखिर कौन से डेबिट कार्ड को यहां पर यूज किया जाए, कौन से ऐसे प्रीपेड डेबिट कार्ड को यूज किया जाए जहां पर हम अपने क्रेडिट कार्ड की बैलेंस को उस वॉलेट में डाल दें और उसके प्रीपेड डेबिट कार्ड से यहां पर लोड मनी कर ले। मैं आपको बता दूं कि यहां पर पेजैप की वर्चुअल डेबिट कार्ड 100% वर्क करती है, लेकिन भूल से भी उससे आप ट्रांजेक्शन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा काटे जाएंगे। आगे की वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा किस तरह के यहाँ पर चार्ज काटे जाते हैं। फिलहाल आप इस ट्रिक का मजा लीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए लगातार में। तो चलिए यहां पर हम आपको सबसे पहले बता दें ऐड मनी की प्रोसेस। दोस्तों यहां पर जब आप क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट ऐड मनी करते हो तो 1.80% यहां पर चार्ज लगती है। तो चलिए फिजूल की बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि आपको ऐड मनी कैसे करना है बिना चार्ज के। दोस्तों यहां पर आपको ऐड मनी करना है पॉकेट वॉलेट के वर्चुअल डेबिट कार्ड से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ICICI बैंक का एक पॉकेट वॉलेट एप्लीकेशन है यहां पर आपको वीजा कार्ड मिल जाती है, उसी से आपको यहां पर ऐड मनी करना है। तो इससे पहले मैं पॉकेट वॉलेट की थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूं कि वहां पर क्रेडिट कार्ड से मनी लोड कैसे होंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ICICI बैंक के पॉकेट वॉलेट एप्लीकेशन में, बिल्कुल होम पेज पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको लोड मनी इसमें कैसे करना है। यहां पर लोड मनी करने के लिए आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है। जब आप ऐड फंड पर क्लिक कर लोगे यहां पर आपको अमाउंट एंटर करना है। अमाउंट एंटर करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, लेकिन उससे पहले आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डेबिट कार्ड से अगर लोड मनी करेंगे तो 2500 रुपए ही एक बार में आप कर सकते हैं, और यहां पर इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे तो 5000 रुपए एक बार में आप कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना है डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस, उसके बाद आपको रुपए डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस पर टिक आउट करना है। यहां पर जब रुपए डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस पर टिक आउट करेंगे उसके बाद आपको यहां पर यस पे वॉलेट का रुपए डेबिट कार्ड एंटर कर देना है। मैं आपको बता दूं कि यस पे वॉलेट एक यस बैंक द्वारा निकाली गई वॉलेट है जहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड से लोड मनी उस वॉलेट में कर सकते हैं और उसके वर्चुअल डेबिट कार्ड से कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन में। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि उस वॉलेट को पेटीएम या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक पर बंद कर दिया गया है, उससे ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो फाइनली आपको यहां पर पॉकेट वॉलेट में लोड मनी करना है उसी वर्चुअल कार्ड से, तो ये फाइनली आपका लोड मनी हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इंटरफेस, ये है यस पे वॉलेट का इंटरफेस। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको ऐड फंड पर क्लिक करके यहां पर क्रेडिट कार्ड से लोड मनी करना है। यहां पर अमाउंट एंटर कर दीजिए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड की ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन
सेलेक्ट करने के बाद कार्ड नंबर वगैरह सारा कुछ डाल के लोड मनी सक्सेसफुल कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहां पर व्यू कार्ड पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको वर्चुअल कार्ड शो हो जाएंगे जो रुपए कार्ड है। तो फाइनली व्यू सीवीवी पर क्लिक करके आप अपना सीवीवी यहां से देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आपको पता नहीं है कि एसबीआई वॉलेट पर कैसे अकाउंट क्रिएट करना होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो चलिए फिजूल की बातें ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको लिए चलता हूं प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं पॉकेट वॉलेट में यहां पर डेबिट कार्ड की जगह हमने यहां पर एसबीआई वॉलेट का प्रीपेड वर्चुअल कार्ड की नंबर चिपका डाला है। चिपकाने के बाद यहां पर मेक पेमेंट पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये पेमेंट पेज पर जा चुका है, यहां पर ओटीपी भी आ चुका है। तो जस्ट हम यहां पर ओटीपी एंटर कर देंगे जो एसबीआई वॉलेट की तरफ से आई है। तो चलिए यहां पर हमने ओटीपी एंटर कर दिया, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद पेमेंट प्रोसेस में है, आप देख सकते हैं थोड़ी देर में यह पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं यस बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है कि 100 रुपए जो है ऐड हो चुका है, और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी मैसेज आ चुका है कि 100 रुपए क्रेडिट कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहां पर सेशन टाइम आउट लिखा जा चुका है क्योंकि मैंने थोड़ा सा देर लगा दिया था यहां पर, जिसके वजह से ये लिखा गया है। तो यहां पर फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं, लेकिन इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं ऐड फंड यहां पर सक्सेसफुल है। तो चलिए फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहां पर पॉकेट वॉलेट में अपना अकाउंट को फिर से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद 180 रुपए अब हो चुके हैं जो कि पहले 80 रुपए था। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप IRCTC के आई मुद्रा एप्लीकेशन में इसे लोड मनी करेंगे जहां पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो सिंपल से मैं आपको बता दूं कि पॉकेट वॉलेट जहां पर लिखा हुआ है उसके नीचे 16 डिजिट नंबर यहां पर दिख रही है। तो सिंपल से आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक्सपायरी के साथ साथ व्यू सीवीवी पर क्लिक करके सीवीवी नंबर भी मिल जाएगा। ये जो कार्ड होता है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, वो वर्चुअल कार्ड की नंबर लिखा हुआ है जो एक वीजा कार्ड है। तो सिंपल से आप यहां पर सीवीवी नंबर सारा कुछ नोट कर लीजिए और कार्ड नंबर को कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं डायरेक्ट IRCTC आई मुद्रा एप्लीकेशन में। दोस्तों हम वापस से आ चुके हैं आई मुद्रा एप्लीकेशन के होम पेज पर, और यहां पर टॉपअप पर हम क्लिक करते हैं। चलिए टॉपअप पर क्लिक करते हैं। टॉपअप पर क्लिक करने के बाद यहां पर हम 180 रुपए एंटर करते हैं। 180 रुपए एंटर करने के बाद हम प्रोसीड करते हैं। तो चलिए यहां से हमने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद ये हमें पेमेंट पेज पर ले जाएगा जहां पर ऑप्शन आएगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI की। तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है डेबिट कार्ड की ऑप्शन। डेबिट कार्ड की ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर कार्ड नंबर डिटेल के साथ साथ आपको यहां पर जो पॉकेट वॉलेट का वर्चुअल कार्ड है वो यहां पर डिटेल डाल देनी है, उसका डिटेल डाल देना है, सीवीवी, एक्सपायरी और कार्ड नंबर सारा कुछ। तो चलिए हम फटाफट फिलअप कर देते हैं। हमने यहां पर कार्ड डिटेल सारा कुछ एंटर कर दिया है, जो पॉकेट वॉलेट में वर्चुअल कार्ड मिले थे उसका डिटेल हमने एंटर कर दिया है। उसके बाद पे पर क्लिक करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं 1 रुपए भी यहां पर चार्ज नहीं लिखा गया है। तो चलिए सिंपल से हम पे के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेमेंट पेज पर जा चुका है जहां पर ओटीपी वगैरह आएगी और हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होगा। तो फाइनली यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करके सबमिट करते हैं। उसके बाद इसी मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगी वो यहां पर ट्रांजैक्शन के लिए। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है। ओटीपी जस्ट हम यहां पर एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करते ही आप देख पाओगे कि यहां पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए हमने ओटीपी सबमिट कर दिया जो कि 180 रुपए की ट्रांजेक्शन है। तो यहां पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं और थोड़ा देर में ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं 180 रुपए के 180 रुपए ही डेबिट हुए हैं। ऊपर में मैसेज भी आ चुका है, 1 रुपए भी कहीं भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं काटे गए हैं। अब दोस्तों फाइनली इस वॉलेट में लोड मनी 220 रुपए की हो चुकी है। अब आपको जो वर्चुअल कार्ड मिला है इसका कार्ड नंबर कॉपी कर लेना है और डायरेक्ट आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में ऐड कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक में एक दिन पहले ये एरर लिख रहा था, लेकिन अब ये फाइनली बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए वो भी प्रोसेस मैं लास्ट की प्रोसेस बता देता हूं, आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों हम आ चुके हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के होम पेज पे और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड फंड वाले ऑप्शंस। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हम अभी वॉलेट में नहीं बल्कि बैंक सेक्शन में हैं और यहाँ पर ऐड मनी वाले ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। तो इस ऐड मनी वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक की सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर कर देना है। अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस सिलेक्ट करनी है। तो चलिए
पहले डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी नंबर सारा कुछ डालना है। तो मैं आपको बता दूं कि आईआरसीटीसी का आई मुद्रा एप्लीकेशन जो है उसका जो वर्चुअल कार्ड मिला है वो कार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए जो जस्ट अभी आप लोड मनी किए होंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर कार्ड नंबर वगैरह सारा कुछ डाल दिया है। डालने के बाद प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करने के बाद ये चला गया है पेमेंट पेज पे, जहाँ पर ओटीपी आएगा और ओटीपी हम जब डालेंगे तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली ये जो पैसा है वो पेटीएम पेमेंट बैंक की सेविंग अकाउंट में एड हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर ओटीपी अभी जस्ट आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी लिखा गया है, तो थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास ओटीपी आ चुका है आईआरसीटीसी आई मुद्रा एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर सिंपल से हम जस्ट ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो चलिए सबमिट पर क्लिक कर दिया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फाइनली यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट प्रोसेस में है और थोड़ा देर में ये पेमेंट सक्सेसफुल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, मैसेज पर मैसेज आ चुका है और हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक की सेविंग अकाउंट में लोड मनी सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि डबल वॉलेट में आपको लोड मनी करना पड़ेगा। तो सीधी भाषा में मैं आपको बता दूँ कि आपको प्रोसेस क्या करना है। सबसे पहले आपको यसपे वॉलेट में लोड मनी करना है क्रेडिट कार्ड से, फिर यसपे वॉलेट के वर्चुअल डेबिट कार्ड से आपको पॉकेट वॉलेट में, जो आईसीआईसीआई का पॉकेट वॉलेट एप्लीकेशन है, उसमें आपको लोड मनी कर लेना है। उसमें लोड मनी करने के बाद पॉकेट वॉलेट की जो वर्चुअल कार्ड आती है वीजा कार्ड, उससे आपको आईआरसीटीसी आई मुद्रा एप्लीकेशन में लोड मनी करना है और आईआरसीटीसी के आई मुद्रा एप्लीकेशन में जो वर्चुअल कार्ड आती है उससे आपको पेटीएम पेमेंट बैंक की सेविंग अकाउंट में लोड मनी करना है। बस आपको इतना प्रक्रिया करना है, क्रेडिट कार्ड की बैलेंस बिल्कुल फ्री में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो वही चक आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई ट्रिक के साथ, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।